फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड आईआईटी जेईई का ओल्ड क्वेश्चन 2018 में जो मेंस में पूछा गया उसको सॉल्व करेंगे सो यू कैन सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हियर दैट अ सेल आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेट प्लेनर डिस्क सात आइडेंटिकल प्लेनर डिस्क हैं और इच ऑफ मास एम है एंड रेडियस आर आर वेल्डेड सिमेट्रिकली एज शो इन द फिगर आप देख रहे हैं सात है एक दो तीन चार पाँच छः और बीच वाला ये सात सात डिस्क को जिसका मास एम है और रेडियस आर है उसको क्या किया गया वेल्ड करके इस शेप में बना दिया गया द मूमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पी मतलब इस पॉइंट पी के अबाउट इस पूरे अरेंजमेंट का मूवमेंट ऑफ एनर्सिया आपसे पूछा जा रहा है किसके अबाउट इस पॉइंट पी के अबाउट अब मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं इस पूरे अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ एनर्सिया इस पॉइंट ओ के अबाउट निकाल लेता हूं ठीक है और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करके मैं क्या करूंगा इस इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्सिया निकालूंगा और इस डिस्टेंस को पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैं सपोज करूँ कि जैसे कि इस पॉइंट ओ के अबाउट इस पूरे अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ एनर्सिया आपको आ गया मान लो आई I1 आ गया ठीक है तो या आई आ गया क्योंकि तो वो पॉइंट है तो इस पॉइंट ओ के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है पूरे अरेंजमेंट का वो I नोड आ गया तो इस पॉइंट P के अबाउट जो मोमेंट ऑफ एनर्सिया होगा आई पी दिस इज इक्वल टू आई नोड ठीक है और प्लस ये जो डिस्टेंस है कितना है देखो तो यहाँ से यहाँ ये यह R है साथ में ये भी ये R हो गया ठीक है रेडियस R है तो ये R हो गया फिर यहाँ से यहाँ से अगर तुम आगे जाओ तो ये क्या है ये भी एक रेडियस आर ही है ठीक है ये भी आर है और ये भी आर है तो मतलब अल्टीमेटली थ्री टाइम्स ऑफ आर है मतलब तो और मास कितना हो गया तो यहाँ से देखो तो इसका पूरे सिस्टम का मास कितना है एक दो तीन चार पाँच छः सात सात डिस्क है तो सातों डिस्क का मास क्या होगा एम सेवन टाइम्स ऑफ एम तो सेवन एम और इंटू इंट बीच का जो डिस्टेंस का स्क्वायर तो थ्राइस ऑफ आर पे स्क्वायर थ्राइस ऑफ आर पे स्क्वायर तो क्या आएगा आई नोड प्लस सेवन एम इंटू यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो नाइन आर स्क्वायर तो एटोमेटली क्या आ गया आई नोड प्लस नौ सत्तर तिरसठ सिक्सटी थ्री एम आर स्क्वायर ठीक है ये आ गया मेरा पॉइंट पी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्जिया कब जब मुझे आई नोड की वैल्यू पता है और ये आई नोड एक्चुअली क्या है द मोमेंट ऑफ इनर्जिया ऑफ द होल सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ओ एंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सिस्टम ठीक है आई नोट क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ होल सिस्टम क्या है आई नोट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ दिस्टमेंट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया इनर्शिया ऑफ सिस्टम सिस्टम मतलब ये सातो डिस्क ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ अबाउट पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर टू द्लेन ऑफ द सिस्टम एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द सिस्टम प्लेन ऑफ सिस्टम ठीक है तो अब ऐसे पी पॉइंट पी के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्सिया होगा वो इस इक्वेशन से निकलेगा अब बात आएंगे कि आपको पहले इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस पॉइंट ओ के अबाउट तो पता होना चाहिए ना तो उसको हम सबसे पहले निकालते हैं अब देखो जरा सा ये पॉइंट के अबाउट जो मोवमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है इस पूरे सिस्टम का आप तो सबसे पहले तो ये डिस्क जो है ये जो डिस्क है इसका इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा हमने पढ़ा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए डिस्क ठीक है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क इज वन बाई टू एम आर स्क्वायर ठीक है तो इसका तो पता है कि वन बाई टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा लेकिन ये जो ये डिस्क है या ये डिस्क है तो इसका इस इस एक्सिस के अबाउट भी वही होगा जो इसके सेंटर के अबाउट है मतलब ये जो आपने आईडी की वैल्यू निकाली ये आईडी की वैल्यू इस सेंट्रल डिस्क का इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्सिया हुआ एंड सिमिलरली यही मोमेंट ऑफ एनर्सिया की वैल्यू इस डिस्क का ये जो डिस्क है उसका इस सेंटर के अबाउट होगा उसी तरह से इस डिस्क का भी इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्सिया यही होगा लेकिन मुझे क्या करना है तो इस पूरे सेटअप का मोमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट दिस निकालना है तो मैं पैरल एक्सिस थियोरम सा इस्तेमाल करूंगा ये जो डिस्क है सेंटर से इस इस एक्सिस से इस एक्सिस के बीच का दूरी कितना होगा ये हो गया रेडियस आर और ये हो गया रेडियस आर मतलब अल्टीमेटली ट्वाइस ऑफ आर दूरी पे है तो मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम अबाउट द पॉइंट ओ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ दिस सेंट्रल डिस्क मतलब वन बाई टू एम आर स्क्वायर प्लस प्लस और देखो सिक्स सिप्स है ये जो ये जो आपको देखने कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स सिक्स डिस्क डिस्क है तो हम अगर इसको लिखे सिक्स टाइम्स ऑफ सिक्स टाइम्स ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जिया और मान लो ये डिस्क वन है तो सिक्स टाइम्स ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ डिस्क वन मतलब जो मूवमेंट ऑफ इस इस डिस्क का इसके अबाउट होगा वही इसके अबाउट इस एक्सिस के अबाउट होगा तो इसका इस पॉइंट के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना है 1 बाय टू एम आर स्क्वायर 1 बाय टू एम आर स्क्वायर और प्लस देखो डिस्टेंस कितना है पार्लर एक्सिस थ्योरम से ट्वाइस ऑफ आर है तो मास एम है इन टू ट्वाइस ऑफ आर पे यहाँ पे स्क्वायर कर दो बात समझ में आई ये सिक्स मैंने क्यों किया क्योंकि यहाँ देखो ये सिक्स शेप्स हैं जो इस इस सेंट्रल डिस्क के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये सिक्स शेप्स का जो डिस्टेंस है Uh, इसके सेंट्रल एक्सिस से और इसके जो सेंटर से पास करते हुए एक्सिस के बीच जो ये दूरी है वो ट्वाइस ऑफ आर है देखो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ आर हो जाएगी तो मैंने क्या किया मैंने पैरल एक्सिस थियोरम का इस्तेमाल किया सिक्स डिस्क थे तो सिक्स डिस्क थे तो मैंने यहाँ सिक्स लिख दिया और हर एक डिस्क का उसके सेंटर के अबाउट द मोमेंट ऑफ एनर्सिया होगा वो होगा वही हाफ एमआर स्क्वायर प्लस इन दोनों एक्सिस का जो इस 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 इससे पास करता हुआ जो एक्सिस होगा सो और इस ओ से पास करते हुए एक्सिस के बीच का दूरी टॉइस ऑफ आर तो ये आ गया ये किस थ्योरम से आया ये आया आपको पैरेलल एक्सिस के थ्योरम से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आपने ये लिखा अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा वन बाई टू एम आर स्क्वायर प्लस सिक्स और ये हो गया वन बाई टू और ये यहां पर देखो तो इसको कर लो वन बाई टू यहां से एम आर स्क्वायर प्लस फोर एम आर स्क्वायर ठीक है अब इसको आगे भी कर लो सॉल्व वन बाई टू एम आर स्क्वायर प्लस सिक्स टाइम्स ऑफ ये कितना हो जाएगा आई गेट नाइन नाइन एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई यहाँ पे टू हो गया ठीक है ये कितना हो गया तो नाइन एम आर स्क्वायर बाई टू हो गया तो इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा वन बाई टू एम आर स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सेवन एम आर स्क्वायर क्योंकि छोटिया सत्ताईस एम आर स्क्वायर इसको कर कितना हो जाएगा फिफ्टी फाइव एम आर स्क्वायर बाई टू तो ये जो वैल्यू आया ये इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्जिया है अबाउट दिस पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्सिया है अबाउट दिस पॉइंट एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज आई नोड आई नोड क्या है मोमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ द होल सिस्टम मोमेंट ऑफ एनर्सिया ऑफ होल सिस्टम सिस्टम अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रो ओ पासिंग थ्रो ओ ओ पॉइंट से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मूवमेंट ऑफ एनर्जिया ये निकला लेकिन मुझे तो पूछ रहा है कि इस पी पॉइंट से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट तो मैंने कहा कि पी पॉइंट से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट अगर मूवमेंट ऑफ एनर्जिया निकालेंगे और अगर ओ पॉइंट से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट पता है

तो आपने आई नोट की वैल्यू कितनी निकाली अभी फिफ्टी फाइव बाई टू एम आर स्क्वायर ये आ गया फिफ्टी फाइव बाई टू एम आर स्क्वायर ले लो फिफ्टी फाइव यहाँ से दो ले लोग दो आएगा फिफ्टी फाइव एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस तो ये हो गया वन ट्वेंटी सिक्स एम आर स्क्वायर करो तो ये हो गया ग्यारह पाँच दो सात एक आठ एक, एक सौ इक्यासी एम आर स्क्वायर बाई टू ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ दिस होल सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रो द पॉइंट पी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस सिस्टम तो देखा आपने कि मैंने पहले इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाला ठीक है जिसमें मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल किया क्योंकि तो सारे सेम जो थे वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थे और फिर हमने फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर निकाल करके इस पॉइंट पी पे मैंने मोमेंट ऑफ एनर्जी निकाला तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा